अचानक पैराशूट से आए हैं और उम्मीदवार बन गए हैं। कहाँ से टेकअप लिया? वहीं लैंड हुआ है। वो कभी अपने माँ बाप को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग होंगे। चलो, आप कहते हैं कि मैं बाहरी नहीं हूँ, यहीं का हूँ, तो माँ बाप को भी बाहरी कहते होंगे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जौनपुर से भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी। कृपा शंकर सिंह 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे और 2024 में जौनपुर से प्रत्याशी बन गए। कृपा शंकर सिंह जी के बारे में एक बात और बता दूं, इनकी जन्मभूमि जौनपुर रही है, कर्मभूमि लंबे समय तक महाराष्ट्र रही है और कांग्रेस की जो सरकार थी वहां मंत्री रहे हैं, चर्चित चेहरा है। पर आरोप इन पर यह भी है कि अचानक पैराशूट से आए हैं और उम्मीदवार बन गए हैं, क्या कहेंगे सर? ये जो पैराशूट वाली बात है, जिसने कहा उसके समझने तो पैराशूट क्या हुआ है, तो खाली उसके लिए जिसने पैराशूट कहा होगा, जहाँ से टेकअप लिया वहीं लैंड हुआ है। और बहुत लंबे समय के बाद लैंड हुआ है सर, मतलब फ्लाइंग टाइम बहुत लंबा रह गया। वो लोग जो ऐसा कहते होंगे वो कभी अपने माँ बाप को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग होंगे। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि मैं बाहरी नहीं हूँ, यहीं का हूँ। मतलब बाहरी और भीतरी की बात ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ, जिन लोगों ने ये कहा होगा वो उनके माँ बाप कभी बाहर कमाने गए होंगे और लौटे होंगे, तो माँ बाप को भी बाहरी कहते होंगे। अच्छा सर, अब चुनाव जीते या हारे यहीं रहेंगे? जीतेंगे। अरे भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं, पर जो सवाल, जिस सवाल का जवाब भविष्य में है, उसके लिए मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि जीत? हाँ सर, क्या आपकी योजना रहेगी? मेरा वोटर लिस्ट नाम यहाँ आ गया है। जी जी, वो हम लोगों ने पढ़ा है सब। मेरा और मेरी पत्नी का भी आ गया है। हाँ। बहुत सालों के बाद एक ऐसा मौका मिला कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर के अंदर की आवाज़ को पहचाना। अच्छा। और मुझे जौनपुर में राजनीति माध्यम सेवा करने का मौका दिया। 25 तारीख को वोटिंग है सर, अब प्रचार के लिए मात्र कल भर का समय है। आप भी घूम रहे होंगे लंबे समय से यहाँ क्षेत्र में, कैसा लग रहा है, क्या मतलब शहर की आबो हवा क्या है? अच्छा जन समर्थन है। अच्छा जन समर्थन, अच्छा जन समर्थन। लोग कह रहे हैं, हम कल से घूम रहे हैं इलाके में और अभी धनंजय जी से भी बात करके आए, उनका भी एक इंटरव्यू किया है। सब लोग कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का है और अंतिम समय तक ही पता चल पाएगा कौन निकलेगा। मुकाबला अब कांटे का है, ये तो जनता तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं बहुत व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, क्या जरूरत पड़ गई धनंजय जी से समर्थन लेने की आपकी पार्टी को? ऐसा धनंजय सिंह ने, हम तो चाहेंगे देश का हर व्यक्ति ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर विश्वास करे जी। उसका सच बड़ा कारण है, 2014 का पहले भारत देख लो और 2014 के बाद के भारत देख लो, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देख लो और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश देख लो। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, लोगों ने देखा। 2019 में संख्या बढ़ाई, अब 2024 में वही होगा। लोगों को चाहिए कि हम देश का मतलब कल्याण किसके हाथों में सुरक्षित है, देश किसके हाथों में सुरक्षित है, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। उसी विश्वास पे धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी के आने के बाद, हम जब अलग अलग क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं ना, तो भाजपा प्रत्याशियों को लेकर कई जगहों पर नाराजगी है, लेकिन सब मोदी और योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप लोगों को ठीक लगता है कि प्रत्याशी गौण हो गए हैं, सिर्फ मोदी और योगी का चेहरा है चुनाव में? फील्ड पर तो प्रत्याशी का चेहरा होना चाहिए ना। ऐसा है, पता चल जाए प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का नाम कैसा है, उसी ऊपर चलते रहते हैं। नहीं नहीं, प्रोडक्ट कृपा शंकर जी, डेवलपमेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो डेवलपमेंट नाम का प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट देश के लिए। उन्होंने क्या कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपकी बार 400 पार, क्यों कहा? हमको विकसित भारत बनाना है, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। 10 साल के कार्यकाल को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम हुए। आर्टिकल 370 हटाना इस देश के लिए सबसे बड़ा काम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए 400 चाहिए, विपक्ष कह रहा कि संविधान खत्म करना है, इनको चुनाव नहीं कराना, इसलिए 400 चाहिए। विपक्ष कभी ये बात संविधान के बारे में
जो मौका मिला था संसद भवन का दिन बेहतर होता। अच्छा 306 सीट लेके क्या विकास नहीं कर पा रहे हैं जो 400 सीट लेके विकास करेंगे, या 370 सीट? आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 सीट चाहिए, गठबंधन के साथ 400 सीट चाहिए। 50 सीट ज्यादा या 60 सीट ज्यादा लेके क्या गठबंधन कर पाएंगे कुछ उसका मतलब? ऐसे कौन से विकास हैं जिनके लिए आपको 60 सीट ज्यादा चाहिए? विचारों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी, राजभर की पार्टी, चौहान की पार्टी, लोकदल की पार्टी और पार्टियां नीतीश कुमार सब आते हैं, उससे क्या होता है कि विकास होता है। आप खाली इतना देख लीजिए, विकास बहुत हुए। 5 साल एक सांसद यहाँ पे हैं, 5 साल से। आप खाली पता कर लीजिए पूरे क्षेत्र में यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, कब गए लोग जानते तक नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभी इसी बाजार में हम बात कर रहे थे तो लोग कहे कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि 25 साल से यहाँ कोई सांसद रिपीट नहीं हुआ और जीत कर जाते हैं वो आते नहीं है। लोगों को आशंका, मैं लोगों की आशंका की बात कर रहा था कि आप जाएंगे जीतेंगे, आपका भी एक प्रतिनिधि हो जाएगा और आप भी दर्शन नहीं देंगे। अंग्रेजी के एक वाक्य है, टाइम विल टेल द डिफरेंस। अच्छा, समय बताएगा। अगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो समय बताएगा, शायद भाषा बदल जाएगी। नहीं, मेरी भाषा नहीं है, मैं इसी अभी आपके आने से पहले यही एक कार्यक्रम किया हूँ, बाजार के लोगों ने आशंका जताई, मैं उस पे कह रहा हूँ। स्वाभाविक है, उनका अनुभव है। दूध के जला आदमी माठा भी फूक के पीता है, अनुभव है उनका, उन्होंने देखा है यहाँ की जनता को। आज यहाँ उद्योग अगर होता तो मेरे जैसे युवक कितने गए, यहाँ की इंडस्ट्री नहीं है। ये पूरे पूर्वांचल की त्रासदी है, लोग यहाँ से कमाने के लिए लोगों को बॉम्बे जाना पड़ता है, आप भी उसी पलायन का हिस्सा रहे हैं। क्या कुछ मतलब अगर मान लीजिए जीत जाते हैं आप और ईश्वर की कृपा से अगर आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, क्या करना चाहेंगे पूर्वांचल के लिए? मेरा मुद्दा एकदम साफ है, जौनपुर में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लगेगी। अच्छा, लगनी चाहिए, लगेगी, बहुत लोग बात करते हैं। हम डुमरियागंज में थे, वहाँ भी लोगों ने कहा कि 3 बार से जगदम्बिका पाल जी सांसद हैं, कुछ भी इंडस्ट्री नहीं लगी, छोटे मोटे सड़क और ये सब काम हुए, वो कहते हैं कि लोगों नितिन गडकरी करवा रहे, जो काम करवा रहे योगी जी करवा रहे, सांसद उतने प्रभावी नहीं है। तो सांसदों को लेकर बड़ी शिकायत रहती है आपकी पार्टी में लोगों को? उनको चुन के देते हैं लोग ना, चुन के तो लोग कह रहे हैं मजबूरी है, मोदी योगी जरूरी है, इसलिए जो स्थानीय प्रत्याशी है वो मजबूरी है, ये भी एक बहुत लोगों की शिकायत है। कृपा शंकर की सबकी भी जान पहचान नहीं ज्यादा है। अच्छा, लेकिन मुंबई में रहने वाले कृपा शंकर को जानते हैं, हमने जो भी कहा है वो करने की कोशिश करी है। कृपा शंकर के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगता और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कृपा शंकर कभी किसी को निराश तो नहीं। चलिए, आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए, आपके वादों पर जनता एतबार करे और एक बार जो जौनपुर की जनता के जो पिछले कड़वे अनुभव है वो अनुभव फिर से रिपीट ना हो, हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे और आप प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।